morning, my dear students. How are you all? I hope you are fine and safe at your places. So welcome to the session of Hindi. This is your Hindi session. Quickly take out your Hindi books. And I am Mrs. Nancy Sharma, your Hindi developer. So children, today we are going to start. Please open page number 40. Quickly open your Hindi books on page number 40. So आज हम करने वाले हैं कविता. एक कविता है ये. कविता का सस्वर वाचन कीजिए एवं याद कीजिए. क्या करना है हमने? कविता का सस्वर वाचन करना है और उसको याद करना है. वी हैव टू लर्न इट. सो आई एम राइटिंग हियर लर्न. इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ओके. कविता है बेटा राष्ट्र प्रेम के बारे में. यू नो इंडिपेंडेंस डे इज ऑल्सो कमिंग. कब होता है इंडिपेंडेंस डे? कब होता है स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को. 15 अगस्त इज अ इंडिपेंडेंस डे. सो लेट्स बिगिन. राष्ट्र प्रेम. सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत भूमि ने जन्म दिया है, ये सौभाग्य हमारा है. धूप खुली खुली हवा है, सौ रोगों की एक दवा है, चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है. जन्मभूमि सो चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है. जन्मभूमि से पढ़कर बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर? इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी न्यारा है. चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे बिजली आंख दिखाए, हम ना झुकेंगे हम ना रुकेंगे, यही हमारा नारा है. पर्वत पर्वत पांव बढ़ाता, सागर की लहरों पर गाता, आसमान की राह बनाता, चलता मन बंजारा है. फाइन. सो ये किसके बारे में है बेटा? ये है हमारे राष्ट्र देश के बारे में. ओके. सो लेट्स रीड इट अगेन. राष्ट्र प्रेम. आप अपने देश को प्यार करते हो? वी लव आवर कंट्री इंडिया, राइट? हम भारत देश को बहुत प्यार करते हैं और जो हमारे हम अपने भारत देश के लिए मर मिटने को भी तैयार होते हैं. होते हो मर मिटने को तैयार? यस, हम अपने भारत देश के लिए मर मिटने को भी तैयार होते हैं, राइट? सो लेट्स रीड इट अगेन. सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत भूमि ने जन्म दिया है, ये सौभाग्य हमारा है. धूप खुली खुली हवा है, सौ रोगों की एक दवा है, चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है. जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर? इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा न्यारा है. चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे बिजली आंख दिखलाए, हम ना झुकेंगे हम ना रुकेंगे, यही हमारा नारा है. पर्वत पर्वत पांव बढ़ाता, सागर की लहरों पर गाता, आसमान की राह बनाता, चलता मन बंजारा है. इज इट क्लियर? फाइन. तो हमारी देखो देश की, हमारा देश के प्रति प्रेम दिखाया है कि हमें यहाँ पर जो हमारे ऊपर ध्रुव तारा है वो हमें एक वे दिखाता है, रास्ता दिखाता है. ये हमारा सौभाग्य है. यहाँ हमें धूप मिलती है, यहाँ हमें छाए मिलती है, खुली हवा मिलती है, यहाँ रोगों का इलाज भी है. फाइन. और इस जन्मभूमि के लिए हम मर मिटने को भी तैयार हैं. फाइन. इज इट क्लियर? ओके. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर इंडिया, राइट? हमारा तिरंगा. तिरंगे में रंग भरिए. यू हैव टू कलर दिस. और आपको पता है तिरंगे का रंग कौन सा होता है? ये सबको पता है. सो कलर इट नीटली. ओके. प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. आपने प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है. फाइन. ओके. तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3. झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? झंडे के चक्र में, प्लीज वेट, झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं?
कौन बताएगा? 24. इज इट क्लियर? सो नाउ यू कैन सी हमने क्या क्या करा है. तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3. झंडे में, चक्र में कितनी तीलियां होती है, कितनी स्पोक्स होती है? 24. सो टेक ऑन 24. झंडे में हरा रंग किस बात का प्रतीक है? झंडे में हरा रंग सुख समृद्धि का प्रतीक है. फाइन, कि हमें सुख और शांति मिलती है. इज इट क्लियर? नाउ प्लीज टर्न योर पेज एंड कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 41. ओके, ऑल राइट. नाउ कम टू पेज नंबर 41. लेट्स सी, अब आपने क्या लिखना है? प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं. सारे जग को पथ कौन दिखाता है? सारे जग को पथ ध्रुव तारा दिखाता है. अनेक रोगों की दवा क्या है? क्या है अनेक रोगों की दवा? आपने देखा यहाँ पे क्या था? धूप. यस, धूप और खुली हवा अनेक रोगों की दवा है. क्या लिखोगे? धूप और खुली हवा अनेक रोगों की दवा है. भारत के ध्वज के 3 रंगों के नाम लिखिए. क्या क्या है भारत के ध्वज के 3 रंगों के नाम? कौन बताएगा? सैफ्रन, व्हाइट और ग्रीन. तो मतलब सबसे पहला क्या है? संतरी, केसरी भी बोलते हैं. केसरी है ना, संतरी और सफेद और हरा, जिसको हम कई बार केसरी भी बोलते हैं. भारत के ध्वज के 3 रंगों के नाम है संतरी, सफेद और हरा. हमें देश, अपने देश से क्यों प्यार करना चाहिए? ये आप अपनी अपने आप लिखेंगे. हमें अपने देश से क्यों प्यार करना चाहिए? सो यू विल राइट इट योरसेल्फ. आई वांट कि मैं लिखवा सकती हूँ ये आंसर, बट मुझे ये देखना है कि मेरे बच्चे अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं. फाइन, ओके. सो लेट्स डिस्कस दिस शब्द गिवन बिलो. पथ मतलब बेटा रास्ता दिखाना, वे दिखाना. सौभाग्य, अच्छा भाग्य, जिसकी किस्मत अच्छी होती है. जन्मभूमि, पैदा होने का स्थान, जहां पर हम पैदा हुए हैं. धरती मतलब जमीन. बंजारा मतलब खाना बदोश, मतलब इधर उधर समूह में घूमकर जीवन व्यतीत करना. जैसे कोई एक जगह नहीं रहता है घर में, कभी इधर जाता है, कभी किसी जगह पे जाता है, आनंद. जैसे कहते हैं ना तीर्थ स्थानों में घूमना, वैसे ही बंजारे घूमते हैं. फाइन, सो टुडे वी हैव डन पेज नंबर 41 एंड 40, एंड यू विल राइट दिस शब्द इन योर नोटबुक. ओके, आई एम राइटिंग हियर, राइट, जस्ट वेट, आई विल राइट इट अगेन. राइट, you are going to write this in your Hindi notebooks. Is it clear? Fine children. So please finish your work in a neat and beautiful handwriting. Now it's time for daily diary. Write the date on the top and write do page number 40 and 41. So please finish your work in a neat and beautiful handwriting. Bye. Thank you. Stay home and stay safe.